हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक अध्याय कंप्लीट करने वाले, या फिर बोल सकते हैं एक टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है राजस्थान की वेशभूषाएं। बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर राजस्थान एग्जाम्स होती है उनके लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की क्लास से रिलेटेड जानकारी मिल जाए। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप 8770803840, और CDP के रीट के आपको 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के। यदि वो आपको नहीं मिले तो या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर ले सकते हैं। आप वेबसाइट से जाकर भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 10 मॉक पेपर का आपको पूरा मिल चुका है, 10 मॉक टेस्ट रहेंगे और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपके 30 क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो आगे सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों का प्रीवियस सेशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सारे आभूषण के बारे में देख लिया था, लाइक सर व मस्तक पर जो पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, माथे पर पहने जाने वाले आभूषण, पुरुष क्या पहनते हैं, महिलाएं क्या पहनती है, इसी तरीके से नाक, कान, बाजू, कलाई, अंगुली, पैर, दांतों में पहने जाने वाले जितने भी आभूषण होते हैं, लाइक रखन वगैरह हो गया, है ना, फॉलरी हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सेशन को देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर वेशभूषा के बारे में बात करेंगे, और इससे यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट चाहिए, चाहे वो गणित शिक्षण शास्त्र के हो, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हो, पर्यावरण अध्ययन के हो, सभी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर आपका सेम रहेगा, नोट्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं राजस्थान की शान से। हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे पगड़ी से। तो पगड़ी राजस्थान की शान यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। पगड़ी को हम लोग पाग बोलते हैं, ठीक है, हमारे MP में बाघ बोला जाता है, पैंचा व बाघा भी बोला जाता है, तो ये सारे पगड़ी के नाम है। राजस्थान में पगड़ी कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, तो क्या क्या कैटेगरी है और साथ के साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, आज हम लोग साथ के साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान की शान क्या है, तो राजस्थान की शान पगड़ी को माना जाता है। पगड़ी उतारना मतलब अपनी वही आन बान शान खो देना, वैसी वाली सिचुएशन परिस्थितियां होती है। ठीक है, इसे पाग, पैंचा और बाघा भी कहा जाता है, और कई प्रकार की हो सकती है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हर एक प्रकार की पगड़ी से आपके क्वेश्चन भी पूछे गए, तो वो प्रश्न भी साथ के साथ कवर कर लेंगे, ताकि पूरा एक रिवीजन एक साथ के साथ आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मोठड़ा या फिर मोठड़ी पगड़ी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मोठड़ा या मोठड़ी पगड़ी क्या होती है, जो विवाह के समय पहनी जाती है उसे मोठड़ा या मोठड़ी पगड़ी बोला जाता है। लहरिया क्या होता है, श्रावण के मास में, सावन के महीने में पहने जाने वाली पगड़ी को लहरिया पगड़ी बोला जाता है। ठीक है, राजशाही पगड़ी क्या होता है, जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी यहाँ पर कहा जाता है। पगड़ी मदिल क्या होती है, दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे यहाँ पर मदिल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि मदिल पगड़ी क्या होती है, जो दशहरे के समय जिस दिन जो पगड़ी पहनी जाती है उसे यहाँ पर बोला जाता है मदिल। ठीक है, अब पगड़ी केसरिया क्या होती है इसके बारे में आप देखेंगे। दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को यहाँ पर केसरिया पगड़ी, या फिर जो केसरिया होता है इस तरीके की पगड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। ठीक है, अब फूल पत्ती पगड़ी यहाँ पर क्या होती है, तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो है होली के अवसर पर पहनी जाती है, जैसे कि अभी पहनी होगी। ठीक है, तो ये फूल पत्ती की छपाई यहाँ पर होती है। उसके बाद आता है मोटी पत्तेदार पगड़ी, जो पट्टेदार पगड़ी होती है उसमें क्या होता है, सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हो, जो बंजारे होते हैं वो मोटेदार मोटी जो पट्टेदार पगड़ी होती है उसको यहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपको वन बाय वन करके सारी पगड़ी के नाम याद रखने हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हमने बात करी है यहाँ पर मोठड़ा पगड़ी की, तो विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, मोठड़ा मोठड़ी पगड़ी कहा जाता है। लहरिया श्रावण के महीने में पहनी जाती है, राजशाही जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी कहा जाता है। पगड़ी मदिल दशहरे के अवसर पर, केसरिया पगड़ी दिवाली के अवसर पर, और फूल पत्ती पगड़ी जो होती है वो हम लोग होली के अवसर पर पहनते हैं। करेक्ट, और मोटी पत्तेदार पगड़ी जो सुनार होंगी वो आटे वाली, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ आटे वाली पगड़ी पहनी जाती है, और जो बंजारे होते हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी को यहाँ पर काम में लेते हैं, उनमें पट्टे होते हैं। करेक्ट है, चलिए अब देखते हैं हम लोग और इसके बारे में। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो हमने अभी देखा कि दशहरे के अवसर पर हम लोग मदिल पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर B। और मिठड़ी पगड़ी कब पहनी जाती है, अभी हमने पहना कि विवाह के समय जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मिठड़ी पगड़ी या मोठड़ा पगड़ी यहाँ पर बोल सकते हैं। करेक्ट है,
तो बस बिल्कुल बेसिक इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर याद करनी होती है, उसके बाद आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है कि बताइए राज्य में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या है। तो राज्य में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी जो है मिठड़ी पगड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मिठड़ी पगड़ी को यहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, अब कुछ स्टेटमेंट या कुछ थ्योरी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखो पगड़ी जो बांधता है ना उसे क्या बोलते हैं, जो पगड़ी बांधने वाला होता है उसे चाबदार यहाँ पर बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है भागोर संग्रहालय के अंदर उदयपुर के अंदर स्टोर करके रखी हुई है, वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, और ऐसा बोला जाता है कि वो पगड़ी की जो लंबाई है वो कुतुब मीनार से भी काफी ज्यादा लंबी है। ठीक है, अब ये जो तुर्रे, सरपेच और धुगधुगी होती है ये पगड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। और बहुत सी रियासती पगड़ियां भी बोली जाती है, जैसे कि जसवंत शाही पगड़ी, चुड़ावत शाही पगड़ी हो गई, ठीक है, भीम शाही पगड़ी हो गई, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी पगड़ी हो गई, हम्मीर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी, शाहजहानी पगड़ी और राजशाही पगड़ी। ये पगड़ी के अलग अलग प्रकार होते हैं जो रियासत के आधार पर इनके नाम यहाँ पर रख दिए गए। तो क्या क्या रखे गए, जसवंत शाही, चुड़ावत, भीमशाही। निम्नलिखित में से भीमशाही क्या है, पगड़ी का एक प्रकार है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक प्रकार का लोक गीत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं और ऑप्शन बहुत आसान रहेंगे। बस एक बार आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि भीमशाही क्या एक प्रकार की पगड़ी है, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हम्मीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, शाहजहानी और राजशाही। जिसके पीछे शाही लग जाए मोस्टली वो सारे आपके पगड़ी की कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी राजस्थान की शान के बारे में, पगड़ी के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंगरखी के बारे में। अब ये जो अंगरखी होता है ना ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र को अंगरखी या फिर बुकतरी भी कहा जाता है। दोनों ही नाम याद रखना, अंगतरी भी कहा जाता है और बुकतरी भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कपड़ा होता है जो मोस्टली कपास से बना हुआ होता है। ठीक है, अंगरखी जो है इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि एक तो दिया हुआ है बुकतरी है, इसको अचकन भी बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से अचकन क्या है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, और एक से दो और ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए हुए थे, वो क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है अचकन किसको बोला जाता है, अंगरखी को ही बोला जाता है। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है, इसको बंडी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तनसुक बोल सकते हैं, दूतई बोल सकते हैं, गाबा बोल सकते हैं, गदर बोल सकते हैं, मिर्जाई बोल सकते हैं, ढोड़ी बोल सकते हैं, कानो बोल सकते हैं और डगला बोल सकते हैं। मोस्टली आप जो शब्द अगर बोले कि इनमें से इंपॉर्टेंट शब्द तो बता दीजिए जो हम लोग याद रखें, या फिर जो एग्जाम में बन सकते हैं, तो एग्जाम में सारे ही बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बुकतरी, अचकन, बंडी और ये वाला अंगरखी, ये नाम आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है, पूछे जाने के भी चांसेस हैं। करेक्ट है, अंगरखी समझ में आ गया। शरीर के ऊपरी भागों में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी, बुकतरी, अचकन या फिर बंडी कहलाता है। अब अगला प्रश्न देख लो, आप ही के जो एग्जाम में पूछा हुआ था कि अंगरखी को क्या कह सकते हैं, अंगोछा कह सकते हैं, पंछा, बुकतरी या पैसवाच। अभी हमने पढ़ा अंगरखी को क्या बोला जाता है, अंगरखी को बोला जाता है बुकतरी। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अगला बात करते हैं चोगा क्या होता है। तो राजस्थानी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का एक प्रकार है यह, अंगरखी के ऊपर हमने पहले अंगरखी पहना पुरुषों ने, और उसके ऊपर जो पहनेंगे लंबा लंबा सा होता है चोगा, उसे बोला जाता है ढीला ढाला सा। ठीक है, तंजेब व जामदानी के चोगे जो है गर्मियों में पहने जाते हैं। ठीक है, तंजेब और जामदानी, इसकी साड़ियां भी चलती है। कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल मखमली टाइप के होते हैं कपड़े। ठीक है, काफी सॉफ्ट, काफी ज्यादा मुलायम होते हैं, तो ये गर्मी में पहने जाते हैं। जामा की बात करें तो राजस्थानी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र यहाँ पर जामा कहलाता है। ये शादी विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक पहना जाता है, तो इस प्रकार के वस्त्र को बोला जाता है जामा। और चोगा क्या होता है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी के ऊपर। ठीक है, तंजेब और जामदनी जो है नॉर्मली पहने जाते हैं गर्मियों के अंदर। ठीक है, चलिए चोगा पढ़ लिया, चोगा पुरुषों के द्वारा, जामा पुरुषों के द्वारा। उसके बाद हम लोग आत्मसुख की बात करें, आत्मसुख जो है सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, और राजस्थानी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का एक प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं आत्मसुख। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आत्मसुख है, दूसरा हमारा अंगरखी है, तीसरा हमारा चोगा हो सकता है, फोर्थ हमारा जामा हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन ले लो, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे ही वस्त्र जो है पुरुषों के द्वारा यहाँ पर पहने जाते हैं। पटका,
आगे पढ़ते हैं, पटका से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब हमने यहाँ पर जामा पहना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर पटका कमरबंद या कटीबंद बांधने की प्रथा होती है, ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से तलवार को लटकाया जा सके। राजस्थानी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र पटका है, ठीक है, जिसे जामा के ऊपर पहना जाता है। पटका उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है और शाही परिवार में सूती कपड़े से ये बनाया जाता था, जिसकी माप लगभग 1.5 मीटर के समथिंग होती है, ठीक है। तो पटका में क्या करते हैं, तलवार को लटकाने का कार्य किया जाता है, ठीक है, और जामा के ऊपर इसको पहना जाता है। अब प्रश्न भी देख लो कि क्या प्रश्न पूछा गया था, क्यों हमने पटका को पढ़ा। कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है, तो कटार कहाँ पर रखी जाती है, कटक के अंदर, कटारा के अंदर, फटका के अंदर या फिर पटका के अंदर। तो आपको पता है कि कटार जो है कहाँ पर रखी जाती है, पटका के अंदर रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन, बस एक बार थ्योरी पढ़ ली तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो अब पहले खोइतू को देख लेते, उसके बाद प्रश्न करेंगे। खोइतू क्या होता है, तो लंगोट या जो भील होते हैं, इसमें पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली जो लंगोटी होती है उसको यहाँ पर खोइतू बोला जाता है। फिर ठेपाड़ा या ढेपाड़ा किसे बोला जाता है, तो ठेपाड़ा जो होता है भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली बहुत ही तंग धोती जो होती है उसे यहाँ पर ठेपाड़ा या ढेपाड़ा बोल सकते हैं। देखो शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर यहाँ पर बोलने में आता है, ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के नाम एक ही है, ठेपाड़ा बोल लो या फिर ढेपाड़ा बोल लो। तो ये तंग धोती होती है और लंगोटी जो होती है उससे यहाँ पर बोला जाता है खोइतू। तो खोइतू क्या हो गया, नॉर्मल लंगोटी, आप कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी, और तंग धोती को ठेपाड़ा या ढेपाड़ा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़े, आगे हम लोग नॉर्मल धोती के बारे में जान लेते हैं। धोती कपड़े का एक टुकड़ा है, इसका प्रयोग शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए किया जाता है। नियमित रूप से पहनने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली जो होती है सफेद कलर की होती है, ठीक है, और फिर स्टाइलिश करने के लिए आप उसमें पीला कलर वगैरह देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर पे होते थे उनके द्वारा व्हाइट कलर की ही धोती यहाँ पर पहनी जाती थी। आगे बात करते हैं, अब तो हो गई पुरुषों की बात, अब हम लोग आ जाते हैं महिलाओं के ऊपर, ठीक है। महिलाओं के जिस प्रकार से अनेकों आभूषण होते हैं उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के वस्त्र होते हैं, ठीक है, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन करते हुए पढ़ेंगे, सारी चीजें बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। सबसे पहले ओढ़नी की बात करें तो ओढ़नी राजस्थान की पारंपरिक पोशाक है। ये कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होती है, जिसे कुछ नहीं पता होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक लंबा सा टुकड़ा होता है, बाकी आप सभी जानते ही हैं। शरीर के निचले हिस्से में घाघरा और ऊपर कुर्ती पहनी जाती है। फिर पाचली के बाद यहाँ पर स्त्रियां जो है ओढ़नी ओढ़ लेती है, ठीक है, और ओढ़नी कई प्रकार की हो सकती है। तो बिल्कुल एक बेसिक कैटेगरी हो गई कि ओढ़नी क्या है, सर पर डालने वाली चुन्नी है, घाघरा पहना जाता है, कुर्ती पहनी जाती है, काचली पहनी जाती है और उसके ऊपर ओढ़नी जो है यहाँ पर ओढ़ी जाती है। तो ये स्त्रियों का एक साधारण सा पहनावा इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अरे इन मैडम को किसने बुलाया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गई हमारी मैडम ओढ़नी ओढ़ते हुए। चलिए अब कुछ प्रकार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लुगड़ी की, तो ये मीणा जाति से संबंधित है, लुगड़ी पहनी जाती है, ठीक है, नॉर्मल महिलाओं के द्वारा जो है लुगड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। अब पोमचा की बात करेंगे, पोमचा से देखो प्रश्न पूछे हुए हैं, 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं। तो पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाओं को ओढ़ाई जाती है। देखो पीली व गुलाबी जमीन मतलब वो जो चुन्नी है या फिर जिसे हम लोग ओढ़नी बोल रहे हैं ना, उस ओढ़नी का कलर क्या होगा, पूरी गुलाबी होगी और उसपे पीले कलर की डिजाइन और उसपे पीला कलर आप देख सकते हैं। तो पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती है, और समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी जो है जयपुर की काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। समुद्री लहर करके पोमचा जो आता है और उसकी ओढ़नी बोल सकते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब यदि हम लोग बात करें तीसरा प्रकार लहरिया होता है, ठीक है, तीज त्योहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी जो होती है लहरिया होता है, सारे कलर होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उसे लहरिया कलर बोलते हैं। अब आगे बात करें कटकी की, इससे भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। अविवाहित बालिकाओं की ये ओढ़नी होती है, पावली भात की ओढ़नी जो अविवाहित युवतियां वो बालिकाओं की ओढ़नी होती है, जिसकी जमीन मतलब उसका कलर क्या होता है, लाल कलर होता है। तो ये क्या होता है, कटकी होती है, और कौन सी होती है, ये पावली भात की ओढ़नी होती है, ठीक है। अब ये भात वाली ओढ़नी क्या होती है, अगली स्लाइड में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगला होता है चीड़ का पोंचा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा पहनी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोंचा कहलाती है, और राज्य राज्य के अंदर जयपुर का जो पोंचा है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, वन बाय वन करके एक बार और रिवाइज कर लेते ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। लुगड़ी मीणा जाति से संबंधित है,
ये पहनते हैं। पोमचा पीली गुलाबी जमीन वाला है, ठीक है। विशेष ओढ़नी होती है जो बच्चे के जन्म के समय महिलाओं को ओढ़ाई जाती है। और समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया विभिन्न त्योहारों पर, तीज त्योहार पर पहनी जाने वाली ओढ़नी है। कटकी जो है अविवाहित बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। और पावली भात की ओढ़नी अविवाहित युवतियां ओढ़ती है, और उसी को हम लोग यहाँ पर कटकी बोलते हैं। पावली भात प्रकार की जो ओढ़नी होती है, इसे ही यहाँ पर कटकी बोला जाता है। और चीड़ का जो पोमचा होता है, वो विधवा स्त्रियां पहनती है, और नॉर्मली ये काले कलर का होता है। और ये राजस्थान में जो जयपुर है, इसका काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पट्टू की यदि यहाँ पर बात की जाए, तो ये पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, ठीक है, उसे पट्टू कहा जाता है। फागण्या क्या होता है, ये होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, जो कि अभी पहना होगा सभी ने, फागण्या बोला जाएगा। जामशाही ओढ़नी क्या है, ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। और पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं ना, आदिवासी पुरुष, उसे प्रिया बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है ये एक नाम हो, लेकिन उनके वस्त्र को यहाँ पर प्रिया बोला जाता है। तो महिलाएं जो वस्त्र पहनती है, वो जो ओढ़नी ओढ़ती है, उसे जामशाही ओढ़नी बोला जाता है। और आदिवासी पुरुष जो वस्त्र पहनकर शादी करने जाते हैं, ब्याह करने जाते हैं, उन्हें प्रिया बोला जाता है, उनके वस्त्रों को, ठीक है। अब ये जो जामशाही ओढ़नी है, इसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेलाएं बनाई जाती है, ठीक है। फूल पत्तियों की बेलाएं यहाँ पर बनाई जाती है जामशाही ओढ़नी के अंदर, करेक्ट है। तो पट्टू हमें पता चल गया, पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। फागण्या होली के अवसर पर पहना जाने वाला है। जामशाही ओढ़नी आदिवासी महिलाओं पर विवाह के अवसर, और प्रिया पुरुषों में विवाह के अवसर पर। और जो जामशाही ओढ़नी, इसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों की बेलाएं बनाई जाती है, करेक्ट है। अब राजस्थान में ओढ़नी के और क्या क्या प्रकार है, तो देखो, एक ज्वार भात की ओढ़नी काफी प्रसिद्ध है। तारा भात की ओढ़नी, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। लहर भात की ओढ़नी, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। और केरी भात की ओढ़नी, ये कुछ ओढ़नी के प्रकार है जो कि प्रसिद्ध है, जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की डिजाइने होती है। तारा भात की जो ओढ़नी होती है, वो आदिवासी महिलाओं के ज्यादा द्वारा जो है काफी ज्यादा पसंद यहाँ पर की जाती है। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं ताकि प्रश्न करने में आसानी होगी। ज्वार भात की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है, जिसमें ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल काले रंग की बेल बूटियां बनाई जाती है। मतलब उस चुन्नी के अंदर, या फिर उस ओढ़नी के अंदर, ज्वार के जो दाने होते हैं ना, वैसे छोटी छोटी सी यहाँ पर बिंदियां लगाई जाती है। और लाल और काले रंग की बेल और बूटियां इसके अंदर, इस तरीके से कुछ बेल आए और बूटियां जो है इस तरीके से इसके अंदर बनाई जाती है, करेक्ट है। लहर भात की ओढ़नी की बात करें, तो इसमें ज्वार भात की जैसी ही बिंदियों का बना होता है। यह भी आदिवासी महिलाओं की ही ओढ़नी होती है। इसमें ज्वार भात की तरह जो होती है, ऐसे ही बिंदियां लगी होती है, लेकिन इस तरीके से कुछ लहरों वाली डिजाइन यहाँ पर बनाई जाती है। केरी भात की ओढ़नी की बात करें, तो इसमें जमीन लाल रंग की व बिंदियां जो है सफेद व पीले रंग की होती है। यह भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है। तारा भात की ओढ़नी की बात करें, तो ये काफी ज्यादा लोकप्रिय ओढ़नी है। इसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों पर छोर काला पर कोणी आकृति वाले तारों जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कुछ इस तरीके की आकृति आपने देखी होगी, ठीक है। पुराने समय में इस तरीके से पहनी जाती थी, अभी राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी। इसे तारा भात, तारे सितारे, और इस तरीके से जो है कोण वगैरह की आकृति, इस तरीके से आकृति यहाँ पर बनाई जाती है। इस तरीके से होगी ये, इसमें तारे सितारे, और इस तरीके से अलग से ये मिलते भी हैं अपने जो लुगड़ा वगैरह होता है उसके ऊपर लगाने के लिए। और इस तरीके से कुछ डिजाइनें भी आती है मार्केट में। तो ये सारी क्या होती है, तारा भात की ओढ़नी में लगती है। कटकी की बात करें, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ओढ़नी में ये आदिवासी युवतियों की एक ओढ़नी होती है, और इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, और जो अविवाहित महिलाएं यहाँ पर पहनती है, करेक्ट है। तो ये सारे ओढ़नी के प्रकार हो गए। अब आपको बताना है, अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से, कि विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, उसे आप चीड़ का पोमचा बोलेंगे, केरी भात का पोमचा बोलेंगे, गुलाबी पोमचा बोलेंगे, या तारा भात का पोमचा बोलेंगे। तो तारा भात का पोमचा और केरी भात का पोमचा आदिवासी महिलाओं के द्वारा है। विधवा महिलाएं कौन सी पहनती है, नॉर्मली काले कलर के कपड़े पहनती है, और वो क्या कहलाता है, वो चीड़ का पोमचा यहाँ पर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है, उदयपुर का, अलवर का, जोधपुर का, या फिर जयपुर का। तो राज्य में जो पोमचा प्रसिद्ध है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अभी हमने देखा था कि कहाँ का पोमचा प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का पोमचा काफी ज्यादा राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक
ठीक है। और उदयपुर में आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो है कि हमने अभी पढ़ा था, जो पगड़ी होती है, सबसे बड़ी पगड़ी उदयपुर में रखी हुई है। और पगड़ी का म्यूजियम म्यूजियम कहाँ पर है, तो पगड़ी का जो म्यूजियम है वो भी उदयपुर में स्थित है। वहां पर आपको सभी प्रकार की पगड़ी देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा आप स्टेटिक जीके के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए ताराभाग की लोकप्रिय ओढ़नी कहाँ प्रचलित है, कौन स्त्रियां पहनती। तो ताराभाग की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, ये सारी ओढ़नियां जो होती है, केरी भात की ओढ़नी हो गई, आदिवासी स्त्रियों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी स्त्रियों में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पावली भात की ओढ़नी क्या कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो पावली भात की ओढ़नी है, अविवाहित महिलाएं पहनती है, अविवाहित लड़कियां पहनती है, उसे कटकी के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक, चलिए अगले देखते हैं, अगले बात करते हैं यहाँ पर कुर्ती की, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र की। ये तो हमने पढ़ा था ओढ़नी, और ओढ़नी से जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिया। कुर्ती की बात कर लेते हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से में स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, कई नाम है, कापड़ी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कापड़ी स्पेशली दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। जो चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है, कुर्ती कांचली होती है जो पहना जाता है, और स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को कुर्ती कांचली यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र हो गए। साड़ी की बात करें तो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र का एक प्रकार है साड़ी। साड़ियों के नाम चोल हो गया, निचोल हो गया, पट हो गया, दुकुल हो गया, अंसुक हो गया, वसन हो गया, चीर पटोरी हो गया, चोरसो हो गया, ओढ़नी हो गया, चुंदड़ी हो गया, धूरी वाला साड़ी, ये सारे आदि हमारे साड़ी के नाम हो गए। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी को जामसई कहा जाता है, ठीक है। मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी को फड़का कहा जाता है, ठीक है। मराठी अंदाज में लाइक नीचे ऐसा लगता है, थोड़ा धोती टाइप का उसमें रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे सॉन्ग्स, मराठी सॉन्ग्स वगैरह में, तो उस प्रकार की साड़ी को फड़का बोला जाता है। कोटा डोरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध साड़ी है, ठीक है। और अब यदि बात करें सिंदूरी की, तो भीली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी बोला जाता है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे नाम ध्यान रखने, दुकुल, अंसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरी वाला साड़ी, ये सारे साड़ियों के नाम हो गए। जामसई आदिवासी साड़ियां जो होती है, आदिवासी महिलाएं जो साड़ियां पहनती है उन्हें जामसई बोला जाता है, और मराठी अंदाज में पहनी जाएगी तो फड़का बोला जाएगा, और कोटा डोरिया कोटा की प्रसिद्ध साड़ी है, और सिंदूरी जो भीली महिलाएं पहनती है वो सिंदूरी साड़ी कहलाती है, करेक्ट है। चलिए आगे बात करेंगे, कछावू की बात करेंगे, इससे आपका प्रश्न पूछा हुआ है, कंप्लीट करेंगे प्रश्न को भी। तो कछावू लंगेटिया भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला नीचे का घाघरा है, जो प्राय काले और लाल रंग का होता है। घुटने तक का जो घाघरा होता है और जो भील महिलाओं के द्वारा पहना जाता है उसे यहाँ पर बोला जाता है कछावू, क्योंकि नॉर्मली जो घाघरे होते हैं वो पूरे पैर को कवर करते हैं, लेकिन यदि घुटने तक पहना जा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, कछावू। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कछावू वस्त्र क्या होता है। आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के द्वारा, पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो कछावू वस्त्र होता है वो भीली महिलाएं पहनती है, और घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरे का एक प्रकार यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो है घाघरा यहाँ पर बताया हुआ है, वही चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है कि ज्यादातर राजस्थानी महिलाएं घाघरा ही पहनती है, जो एक लंबी स्कर्ट होती है जो एक पतली कमर तक टखने तक पहुंचती है, या भी कई प्रकार की हो सकती है, लाइक लंगोट या भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहुंचा पहना जाने वाला जो घाघरा होता है नीचे का, उसे हम लोग यहाँ पर कछावू बोलते हैं, जो कि हमने देख लिया और इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब रेनसाई क्या होता है, रेनसाई के बारे में पूछा जा सकता है। रेनसाई लहंगे की छीट होती है, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का घाघरा, जिसे हम लोग रेनसाई बोलते हैं। पीरिया की बात करें तो पीरिया क्या होता है, भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा जो होता है उसे पीरिया कहा जाता है, पीरिया मींस पीले कलर का लहंगा। और तिलका क्या होता है, तो तिलका जो है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का एक प्रकार यहाँ पर हो सकता है, करेक्ट है। रेनसाई समझ में आया, रेनसाई क्या है, लहंगे की छीट है, और आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का घाघरा, पीरिया पीले रंग का लहंगा लुगड़ा बोल सकते हो, और तिलका मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला। अब कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं पुरुष महिलाओं से। आपको ये बताना है कि पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी, चोगा, अचकन, उपयुक्त सभी, डेफिनेटली उपयुक्त सभी। अंगरखी जिसे बख्तरी बोला जाता है, चोगा हो गया, अचकन हो गया, जिसे वही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अंगरखी, ये सारे ही वस्त्र जो है किसके द्वारा पहने जाते हैं, पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
अगला है अमर शाही किसका नाम है, जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, या फिर पगड़ी का। तो अमर शाही एक प्रकार से पगड़ी का प्रकार है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या करके आना है, करेक्ट आंसर आपको एग्जाम में यदि ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या होता है। राजस्थान में जो पीला पोमचा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार का लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या पेंटिंग है। हमें पता है कि पीला पोमचा जो है एक प्रकार का कपड़ा है, क्योंकि आज हम लोग वेशभूषा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने पीला पोमचा यहाँ पर देखा है, तो ये कपड़े का ही एक प्रकार यहाँ पर होता है, करेक्ट। चलिए आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, साड़ी को, अचकन को, पगड़ी को, या फिर अंगोछा को। तो आज के सेशन को जब हमने स्टार्ट किया था ना, तभी हमने देखा था, शुरुआत ही हमने पगड़ी से करी थी। राजस्थान की प्रतिष्ठा माना जाता है, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पुराने समय में तो ऐसा होता था कि पगड़ी पहचान होती थी, लाइक किसान लोग हो गए, उनके पगड़ी का टाइप अलग होता था। यहाँ पर व्यवसायी हो गए, राजा महाराजा हो गए, तो उनकी पगड़ी की कैटेगरी अलग होती थी। अभी तो चलो फिर सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पगड़ी यहाँ पर राजस्थान की शान कंसीडर करी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारी वेशभूषा से बन सकते थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब इसमें कुछ स्टैटिक फैक्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कपड़ों पर अलग अलग प्रकार की डिजाइन की जाती है, जैसे जयपुर की कौन सी डिजाइन यहाँ पर प्रसिद्ध है, फुलवारी डिजाइन प्रसिद्ध हो गई। तो इस तरीके से कुछ स्टैटिक जीके है, वो हम लोग अपकमिंग जो सेशन आएगा, जब आपका पूरा चैप्टर का कॉमन क्विज होगा, तब हम लोग वहां पर कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ओके तो सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या तो आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ को देख सकते हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट पर जाकर या फिर टेलीग्राम पर जाकर भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों सेशन को, यानी आज के सेशन को और कल के सेशन को, जो प्रीवियस सेशन आपका हुआ था, उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि एक कॉमन क्वीज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। ओके सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में, लाइव रहेगा आपका सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।